विपक्ष ने जो है बरगलाने का काम करा संविधान को लेके, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, न कभी ऐसा कुछ होगा। लगातार प्रोपेगेंडा मतलब बनाया जा रहा है कि सरकार बनते गिर जाएगी और कैबिनेट के लिए मतलब मंत्री पद के लिए मांग होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, सौदेबाजी होगी और फिर मानेंगे नहीं, रूठ जाएगी। पर अभी तक ऐसा हुआ क्या भाई? जो जागरूक व्यक्ति है वो भाजपा के साथ रहा है, भाजपा परिवार में जुड़ा, मोदी जी का परिवार है और मोदी जी का साथ सबने दिया ही है। वो पूरा मध्य प्रदेश से आपको दिख ही रहा है विकास किस तरीके से हुआ है। कहीं नहीं, कांग्रेस है और वो इंतजार कर रही है कि कब आपके सहयोगी आपका साथ छोड़े और आप सरकार बनाए। कांग्रेस तो पिछले 10 साल से बैठी सरकार जो है चलती रहेगी पूरी 5 साल। विपक्ष सपने देखना जो है छोड़ देखो, जमीन से जुड़े हुए नेता है, जमीन से जो उठ के जो इंसान वहाँ ऊपर पहुँचता है वो सब कुछ कर सकता है, तो उसमें वो सक्षम और वो इसको सफल बनाएंगे किसी भी बात। हेलो नमस्कार, मैं मुखारा इंडा खबरदार हूँ गोपाल से और आज हमें DIT बंगले चौराहे पर आज हम भोपाल के लोगों से सिलसिले बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों का भोपाल को कितना फायदा और क्या लाभ मिल सकता है और हम जानेंगे भोपाल के लोगों से इस बारे में राय कि जो भोपाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्रिमंडल से शामिल होने से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। आइए हम बातचीत करते कुछ लोगों से। चलो भाई सर, नमस्कार। नमस्कार सर, लोकसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अपनी शपथ भी ले चुके हैं, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को जो बल मिला है, क्या लगता है आपको उससे मध्य प्रदेश को कितना फायदा? मध्य प्रदेश को फायदा इसलिए मिलेगा शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, क्योंकि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का जो माहौल बदला है, उनकी उसकी 29 सीटें आई वो माननीय शिवराज जी की वजह से आई, क्योंकि उनको जो कृषि विभाग दिया है वो उसमें निपुण है, वो काम कर रहे हैं और उसके बेनिफिट मिले। कृषि विभाग के वो किसान है वो मध्य प्रदेश में लाए, कैसी कारण को कुछ नहीं, जमीन से जुड़े हुए नेता है, जमीन से जो उठ के जो इंसान वहाँ ऊपर पहुँचता है वो सब कुछ कर सकता है, तो उसमें वो सक्षम और वो इसको सफल बनाएंगे कृषि विभाग। अभी आपने जैसे बोला कि मध्य प्रदेश को 29 सीटें लाने का श्रेय सबसे पहले हाँ शिवराज जी को जाता है, लेकिन मोहन यादव जी के कार्यकाल में सीटें आई हैं, क्योंकि उन्होंने माननीय शिवराज जी अगर लाडली बहना योजना नहीं लाते तो उसका बेनिफिट ही नहीं मिल पाता, सबसे बड़ा बेनिफिट उस चीज का मिला। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो उनकी जो गारंटी थी उसकी वजह से जो है माहौल बना, तो दोनों ने मिलके साथ में माहौल बनाए और जो आज यहाँ फिर पूछ रहे उन लोगों ने। लेकिन देश में तो मोदी जी का जो मॉडल था वो काफी था, 405 ये तो क्या भैया, विपक्ष ने जो है बरगलाने का काम करा संविधान को लेके, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना कभी ऐसा कुछ होगा, तो क्या है लोग भ्रमित होगा उनकी चाल में फंस गए, इस कारण थोड़ा सा विपक्ष हो गया। मध्य प्रदेश की जनता ने तो इस बात को कहीं स्वीकार नहीं करा और मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत अच्छा बहुमत मिला और जितनी भी सीटों का अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई प्रत्याशियों ने, तो ये फार्मूला पूरे देश में क्यों नहीं चल पाया? सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सब सबकी विचारधारा है, उनको अपने सब अपने समझ रहे हैं कि भाई राजनीति के साथ तरीके समझ में आ रही है। भाई जो जागरूक व्यक्ति है वो भाजपा के साथ रहा है, भाजपा परिवार में जुड़ा, मोदी जी का परिवार है और मोदी जी का साथ सबने दिया ही है, वो पूरा मध्य प्रदेश में आपको दिख ही रहा है विकास किस तरीके से हुआ है और जिस तरीके का जो चल रहा है, लाडली बहना का था, मोदी जी की गारंटी है, सबको पूरे भारत को उन पर भरोसा था, विश्वास था, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को गलत तरीके से समझाया गया है, मोटिवेट किया गया है, बहुत सी पार्टियाँ जो है बीजेपी की देशद्रोही पार्टियाँ जो है जो बीजेपी को गलत समझती है वो लोगों को बाहर गलाते हैं, बेचारे छोटे तबके के लोग हैं जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको पूरी जागरूकता नहीं है, उस तरीके से ये लोग क्या है कि लोगों को भ्रमित करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और सरकार के जो योजनाएं रहती हैं उसके बारे में भी बहुत से लोग बच रहे जाते हैं जिनको योजनाओं के बारे में पता भी नहीं रहता है सरकार योजना क्या चल रही है। सरकार को मेरा तो ये निवेदन कि एक जागरूकता अभियान भी नहीं चलाना चाहिए, जिस तरीके की जो योजना सरकार की जो चल रही है लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, लोगों को जानकारी है। अभी जब चुनाव से पूर्व विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने संकल्प यात्रा करके अभियान चलाया था और मैंने उसको साल भर चला था, वो काफी बड़ी एक डिजिटल गाइड बनाकर घर घर जाके लोगों को इस विषय में बताया गया था, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि वो मिशन जो था जो सरकार का जो एक प्लान था वो कहीं ना कहीं आम जनता तक नहीं पहुंच पाया? नहीं, यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो पहुंचा है भैया, यहाँ पर उसका जो लाभ मिला है ऑल इंडिया चलाई थी, हम गुजरात भी देखे हैं जाकर, हम महाराष्ट्र में भी देखे थे, हम छत्तीसगढ़ भी गए थे, लेकिन ये फार्मूला मध्य प्रदेश के अलावा कहीं नहीं चला।
मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी चला जहाँ पर हम लोग थे नहीं, जीरो के बराबर थे, वहां से भी हमने उठना चालू कर दिया। साउथ के अंदर जैसे केरल हुआ है, और भी जो अपना उड़ीसा में हम लोग 27 साल से वहां पर थे ही नहीं, वहां पर भी हमने जाके वहां चालू कर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसके अलावा राजस्थान में तो हमारी सीटें कम आई, इसके बाद अगर आपको उसके लिए भाषी प्रदेशों को आप देखे, उत्तर प्रदेश को भी देखे, इसमें तो थोड़ा भैया जाति को लेके बरगराने का जो काम करा है विपक्ष ने, उसमें थोड़ा सा वो लोग सफल हुए, तो इसने इन्हें तो हम लोग को इतना नुकसान ही नहीं हो पाया। और हम लोग इतने मजबूत हैं अभी इस समय कि हमारी सरकार पूरी 5 साल चलेगी, पूरी की पूरी 5 साल चल रही है। जो आपके सहयोगी उनका रिकॉर्ड जो रहा है इस मामले में कि वो कल बसलू है, आपको लगता है कि इन लोग से सौदेबाजी करके आप 5 साल सरकार चला पाएंगे? नहीं नहीं, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है उसी के हिसाब से काम होगा। सौदेबाजी वाली कोई बात नहीं है, सभी ने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो इसमें कोई सौदेबाजी वाला कोई मैटर नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू जो कोई मुद्दा है उनका वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं और बीजेपी उसके हमेशा विरोध करती आ रही है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने हर सभा में बोला है कि जो पिछड़ वर्ग का रिजर्वेशन कोटा है वो मुस्लिम वर्ग को दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर आपको लगता है सरकार बहुत लंबा साथ निभा पाएगी? बिल्कुल निभाएगी, मुझे लगता है यहाँ तक कि मोदी जी इस चीज का डिसीजन है कोई जीत का रास्ता कहीं ना कहीं निकालेंगे। और वर्तमान परिदृश्य में भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे विपक्ष ने कितना भी लगातार प्रोपेगेंडा मतलब बनाया जा रहा है कि सरकार बनते गिर जाएगी ये, और कैबिनेट के लिए मतलब मंत्री पद के लिए मांग होगी और ऐसा होगा वैसा होगा, सौदेबाजी होगी और फिर मानेंगे नहीं, रूठ जाएंगे। पर अभी तक ऐसा हुआ क्या? ट्रैक से चल रही है सरकार, और जैसे ही आप देखना पूरा 5 साल का कार्यकाल मोदी 3.0 और एनडीए गवर्नमेंट पूर्ण करेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस बैठ एंड बहुत की स्थिति में है और वो इंतजार कर रही है कि कब आपके सहयोगी आपका साथ छोड़े और आप सरकार बनाए। कांग्रेस तो पिछले 10 साल से बैठ सरकार जो है चलती रहेगी पूरी 5 साल, विपक्ष सपने देखना जो है छोड़ दे, क्योंकि वो गिरी लाल के सपने नहीं हो पाएंगे पूरे। तो हम देख रहे हैं ना यूपी में बेचारी महिलाएं गर्मी में दर दर भटक रही हैं, कांग्रेस के कार्यालय जा रही हैं, उन्हें धुत्तारा जा रहा है, लगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, एक महिला की तो मौत भी हो गई है कहीं यूपी में, कहीं मुझे याद नहीं है कहाँ पर किसी जिले में। और अयोध्या में तो भैया ऐसा है कि आपने मतलब जिसको पूरी जानकारी है उसे मालूम है कि अयोध्या जो विधानसभा है वो भाजपा जीती है ना, बाकी फैजाबाद सीट है उसमें 5 विधानसभा, फैजाबाद सीट, हाँ फैजाबाद की जो मेन अयोध्या है अयोध्या जीते हैं। बाकी ये है कि कई जगह अभी भैया ने बताया जैसे कि जाति फैक्टर कहीं ना कहीं वहाँ पे काम किया, जो उन्होंने PDA जो बनाया था है ना, पिछड़ा दलित आदिवासी का जो बनाया था। तो अब मेरा एक ये कहना है कि वही चुनाव के समय वोट लेने के लिए तो आपने PDA बना दिया, पर नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए मम्मी और बेटा, माँ बेटे के अलावा किसी का नाम नहीं मिलता। सब सहमति से कांग्रेस की सब सहमति से सोनिया गांधी जी का नाम आया, प्रस्तावित किया और पर एक मैसेज किया है जिसको हमने भारत की भारतीय जनता पार्टी का भी परिवारवाद का दावा दे रहा है कि आप हमसे कहते हैं कि हम परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ अमित शाह जी के पुत्र को भी आप देख लीजिए और उसके बाद उन्हें और भी मंत्रियों के नाम भी जोड़ रहे हैं, सिंधिया जी का नाम दिया है कि वो अपने पिता की विरासत से राजनीति में संभाल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी आगे उन्होंने कार्तिक चौहान का नाम आगे करा है, तो उन्हें लगा है कि परिवारवाद की राजनीति में अभी भी कर रही है। क्या है भैया देखो परिवारवाद वाली बात नहीं है, हो सकता है आपके पिताजी भी पत्रकार रहे हैं ना, तो आपके आज आप योग्य हो तो आप पत्रकारिता कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि किसी के अनुशंसा से आप कर रहे हो, तो इसमें परिवारवाद में कहीं इस चीज को नहीं मानता कि परिवारवाद कहीं इसमें फिट बैठता है। परिवारवाद सब अपन वहाँ यूज कर सकते हैं कि कोई कुछ लोगों को उम्मीद है कि साहब एक गधा जा रहा है, गधा घोड़े की तरह दौड़ेगा, तो उम्मीद में उसका अपन मे देखे जा रहे हैं, पर वो गधा कभी दौड़ ही नहीं सकता, मतलब दौड़ तो सकता है, डेचू डेचू करके चल सकता है, पर घोड़े के बराबर रेस नहीं लगा सकता। तो कहने मतलब वो है कि परिवारवाद शब्द वहाँ यूज होता है जहाँ अयोग्य व्यक्ति को आप लाके स्थापित कर पाओ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साहब कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी कभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी तो बनेंगे, और इस बार को मैं लिख के देता हूँ 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 5 जून को मोदी जी इस्तीफा देंगे। भाई वो तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान का नियम है कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर रिटेन करेगा भी आगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है।
पर मैं लिख के देता हूँ, तो भैया वो लिख के रखा है उसका करना क्या है। स्पीच भी आया राहुल गांधी का, अगर प्रियंका गांधी उनके अगेंस्ट बारह ने स्पीच सुना तो मोदी जी उल्टे 5 लाख वोटों से हार जाते हैं। कांग्रेस 328 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट अपनी बहन को क्यों नहीं दी फिर? खुद 2 सीटों से लड़ रहे हो आप, रायबरेली जो सेठ सीट है वहां से तो आप लड़वा नहीं रहे हो। और बात करते हो बनारस से लड़वाने की, लड़वा लेते थे कॉन्फिडेंस तब, क्यों नहीं लड़वाया? रायबरेली से भी क्यों नहीं लड़वाई? अभी रायबरेली सीट को छोड़ने वाले थे। हाँ नहीं, ये आपको शायद गलत जानकारी है, राहुल गांधी रायबरेली अभी लेटर न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज देख के आया था वो वायनाड छोड़ने वाला है। और पहले उन्हें रायबरेली सीट से मुक्त करा था कि मैं रायबरेली सीट को छोड़ दूंगा, पर वो अब इस्तीफा देने वाले हैं वायनाड से। और बाकी कांग्रेस पार्टी है वो पारिवारिक पार्टी है, तब क्या उनका परिवार डिसाइड कर ले कि आप प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से चुनाव लड़वा? भाई ये तो उनका डिसीजन है कांग्रेस पार्टी का, अपन क्या ओपन होते बोलने वाले, हम तो छोटे से आम नागरिक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम भोपाल में कुछ नागरिकों से की सरकार और जो भी आरोप प्रत्यारोप का जोर चल रहा एक सेवाक राय लोगों की ले रहे हैं, उस विषय में हमने जब लोगों से बातचीत करी है तो पलटवार की स्थिति आ रही है। जैसे मेरा अभी भैया से पूछा आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी ने जो 8000 जो खटाखट वाली स्कीम चलाई थी कहीं ना कहीं यूपी में इसके परिणाम जो देखे नहीं, वो क्या है कि महिलाएं उसमें थोड़ी बहुत भ्रमित हुई है यूपी की, तो उसके कारण से जो है वहाँ का रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। मगर जब उनको लगा कि यार यहाँ तो हमने जो है बोल तो दिया हम पूरा करेंगे कैसे, वो जब वहाँ लाइन लग के कतार में जब महिलाएं पहुंची तब अब जवाब देने को नहीं है ना, मीडिया के पास तो जवाब दे पा रहा है वो, तब उल्टा अपमान कर रहा है महिलाओं का। तो महिलाएं बेचारी जो रात भर तुम्हारे लिए मेहनत करी हुई उन महिलाओं ने, उनको जो उम्मीद लगा के तुम्हारे लिए करी, अब उनको पैसा दीजिए यार, अगर आपने भाई वादा करा है पैसा कांग्रेस है और दूसरों को जुमलेबाज बोलती है। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने भी महिलाओं से 1,000 रुपए देने का वादा किया था, अब भाई साहब जेल में बैठे हैं कहाँ से देंगे? फिर ठीक है सरकार में है जी, धार अलग जगह है, पर जिससे वादा दिया भैया वो तो पूरा करो, भक्ति का आप अपमान नहीं करो। शिवराज सिंह चौहान ने भी वादा करा था कि हम इस राशि को 3,000 तक बढ़ाएंगे जी, शिवराज सिंह जी तो केंद्र में चलेगा, आपको लगता है ये राशि से भाई साहब आप देखिए ना बढ़ रही ना धीरे धीरे, पहले बहुत टाइम से अभी आप देखते देखिए बहुत टाइम से आचार संहिता भी तो हटी हुई है, अभी आचार संहिता हटे हुए 3 महीने ही तो हुआ है, केवल थोड़ा समय दीजिए करेंगे। जो हमने जो वादा किया है लाडली बहना योजना लागू की तो 1,000 रुपए दिए, उसको बढ़ा के अभी 12.5 करोड़ तक आ गए ना, कुछ समय बाद 15 करोड़ भी होगी। तो आपको लग रहा है कि 3,000 रुपए की रकम 5 साल बाद जब चुनाव अगला आएगा फिर उसके बाद रिकवरी के लिए जनता पर लुभाव ने वादे कि हम चुनाव के बाद की बात करेंगे? नहीं, इसको लुभाव ने वादा नहीं समझता भाई, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक राशि आपके लिए हमारे लिए इनके लिए छोटी राशि होगी 1,000 रुपए, पर उनसे पूछो जिन जो उनके मतलब 1,000 रुपए 1,250 रुपए मिल रहे हैं उनके पूरे महीने भर कितने काम आते हैं। तो एक कारण ये ना कोई आप इसको लालच कह सकते हैं ना कोई किसी चीज़ का प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, तो ये है कि एक मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास सरकार ने किया है। आपको क्या लगता है ये मुफ्त की राजनीति कहीं ना कहीं देश के हित में है? आपको नहीं लगता इस ऐसा कैश पे पब्लिक को बांटना कहीं देश के हित में नहीं? आप प्रेजेंट में अगर श्रीलंका का उदाहरण देखें तो आज श्रीलंका एक बर्बाद है, और अभी हाईकोर्ट ने भी इस टाइप का निर्देश दिया है जो कि विवाद है कि कहीं ना कहीं देश के ऊपर जो राज्य उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो मुफ्त की राजनीति जैसे दिल्ली में हो रहा था कि आपको विद्यालय मुफ्त दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये जो कांग्रेस और ये जो सारी पार्टियों का जो प्रोपेगेंडा है कि बी का जो सब सबको लॉलीपॉप दिया था, फटाकट फटाकट 8,500 रुपए आएंगे साल के आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे, ये जो इस तरीके का ये लोगों ने लॉलीपॉप दिया था दिल्ली में, सरकारी फ्री वाई फाई चल रहा है महिलाओं के लिए, फ्री गाड़ियों का जो सफर कर सकती है महिला है, ये सब सुविधाएं जो दी है उसके अगेंस्ट में ये जो और उल्टे इनके जो काले काम होते हैं ना वो सब काम छुपाने के लिए सरकार को दिखाती है कि भैया हम ये कर रहे हैं लुभा रही है, उसके पीछे वो कितने गलत काम उनके होते हैं सरकार की निगरानी में। दिल्ली में पानी की समस्या है, प्रदूषण पानी की रही है, पॉल्यूशन चला दिल्ली में, सब चीज़ों पर सर पब्लिक का ध्यान ना जाए, बस उनका ध्यान ये जाए कि हम फ्री की लाइट दे रहे हैं, 100 यूनिट फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं महिलाओं को, बसों में सफर करवा रहे हैं, दिल्ली कितनी असुरक्षित है आपको नहीं समझ रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं की बात कर कर्जा तो है, आप देख तो रहे आप कर ही रही है सरकार, तो उन्होंने अभी मंगवाया जो कांग्रेस के समय से अपना गिरवी रखा हुआ है सोना आया देश से वापस, उससे
कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो ही रहा है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्थिति बदलेगी, समय लगेगा थोड़ा। जो प्रश्न था आपसे, सरकार का इस तरह से मुफ्त का दान करना, मुफ्त की राजनीति देश ने कितने ही किया, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकार कर्जा छोड़ के चली जाएगी। ये कर्जा तो आम जनता को ही पटा रहा है ना। उसका ये तो मुफ्त का किसको दिया जा रहा है ये भी देखिए ना। जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिनको अभी कोरोना काल से स्थिति किस तरीके से आती की उभरा है, कोरोना काल में इतना कितना स्ट्रगल हुआ लोगों के पास, स्थिति धीरे धीरे उभरे। ये सरकार ने उस टाइम से ही चलाया, कोई ये नहीं है कि चुनाव देखते हुए, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव की वजह से हमने ये सब सरकारी योजनाएं जो भी चल रही थी, सामान्य निम्न वर्ग परिवार है उसका गुजारा चल रहा है, उस हिसाब से कुछ ऐसा तो नहीं दिया ना उन्होंने। ऐसा कुछ बोला कि बड़े बड़े वादे कर दिए कि 12 लाख रुपए देंगे, आदमी घर बैठ के खाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही थी, मैं आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो लाडली बहना योजना लाई गई थी, आपको क्या लगता है उस योजना से बीजेपी को फायदा होगा? आप बताइए भैया, मुझे लगता अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के पहले अगर लाडली बहना योजना नहीं लाई जाती, तो आपको लगता है लाडली बहना योजना अगर चुनाव से पहले नहीं लाई जाती, आपको लगता है ये रिजल्ट कुछ और कम होता भी? देखिए भैया, ऐसा है कि ये तो लोगों की मानसिकता है कि केवल लाडली बहना का एक का ही इफेक्ट हुआ था, तो मतलब दो तिहाई बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। हाँ, लाडली बहना योजना का भी बहुत इम्पैक्ट रहा, पर उसके अलावा भी बहुत सारे विकासशील, मतलब बहुत सारे विकास के कार्य भी हुए। ये बात आप लोगों को भी पता है, मीडिया वालों को, कि विकास के काम भी बहुत सारे हुए हैं, उसी में काम पीछे रहे जी भैया। ज्यादा विकास का हुआ है। अगर मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं यूपी की जानकारी कम रखता हूँ, ये भैया हमारे लिए एकदम करते हैं। यूपी में इतना विकास था सर, अयोध्या सेक्टर में गवर्नमेंट ने हवाई अड्डा भी दिया, नया स्टेशन भी दिया, राम मंदिर की स्थापना भी इतनी धूमधाम से करी, इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाकर, पूरा फैजाबाद जिला क्यों उनके पक्ष में नहीं आया, जबकि रोजगार तो सभी के लिए आया था ना। रोजगार चाहिए जनता को, विकास के लिए, जनता को रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश में यूपी में जिला जालौन 25 साल में सांसद जीते, बादल प्रसाद बराबर ने कुछ काम नहीं किया, उसके बाद सरकार ने एक प्रकार हरा दिया है जिला जालौन यूपी काशी के पास। लेकिन आप जालौन की बात करें, उत्तर प्रदेश में सरकार ने अयोध्या में तो बहुत विकास करा, बाकी जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें 1 साल 5 साल में इतना मिल जाएगा, लेकिन आप फैजाबाद और बाकी सीटें क्यों हार गए? विकास तो क्या, रोजगार नहीं हुआ, जनता ने बीजेपी को हरा दिया उधर।